लिसनिंग सबसे इजी मॉड्यूल है, तो इसमें बताने को तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको इसके पैटर्न और इसकी कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आयल्स लिसनिंग एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, जो कि सबसे इजी मॉड्यूल माना जाता है, और आपको कहाँ से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें मैंने पहले तो आयल्स की इंट्रोडक्शन दी है, फिर एक रीडिंग की कंप्लीट वीडियो दी है आपको, उसके बाद राइटिंग के कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, और स्पीकिंग की भी एक डिटेल्ड वीडियो मेरी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयल्स लिसनिंग के पैटर्न के बारे में। तो पैटर्न इसका ऐसे होता है कि इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, और 4 सेक्शंस में ये पूरी लिसनिंग डिवाइड होती है, यानी हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चंस होते हैं। तो 4 सेक्शंस, ईच सेक्शन कंटेन्स 10 क्वेश्चंस, सो टोटल 40 क्वेश्चंस। और इसमें ऐसा होता है कि आपको हेडफोन्स दे दिए जाते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग प्ले होती है नेटिव स्पीकर्स की, किसी एक पर्सन की भी हो सकती है, और किसी दो पर्सन भी या तीन भी आपस में इंग्लिश में कन्वर्जेशन करते होते हैं। तो आपको उसको सुनकर जो भी आपके सामने क्वेश्चन के टाइप होते हैं उसमें ब्लैंक होता है उसे फिल करना होता है। क्वेश्चन के टाइप काफ़ी होते हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, MCQs हो गए, समरी कम्प्लीशन हो गया, टेबल कम्प्लीशन हो गया, मैप भी आ जाता है इसमें, डायग्राम्स भी आ जाते हैं, और भी कई टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, आपको सिर्फ इसमें प्रैक्टिस ही करनी है। आप हर रोज़ लिसनिंग की प्रैक्टिस करो, एक लिसनिंग हर रोज़ करो, और देखो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप रोज़ अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आसानी से 7.5, 8 या 8.5 बैंड्स ईजीली ले जाओगे। तो यार अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप आयल्स लिसनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो। तो मैं आपको दो वेबसाइट्स बताऊँगा, एक है पेड, अगर आप पेड लेना चाहते हो, और एक फ्री में भी है, जहाँ पर आप फ्री में अच्छी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो। तो पहले मैं बता देता हूँ पेड के बारे में। तो पेड के लिए आपको जाना होगा आयल्स ऑनलाइन test.com पे, ठीक है। और आपको आयल्स ऑनलाइन टेस्ट पे जाना है, तो ये जैसे पहली वेबसाइट आ रही है ना, इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे आयल्स प्रेप में, फिर आपको जाना है आयल्स लिसनिंग सर्विस में। लिसनिंग सर्विस में जाके आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे देख सकते हो ये है आयल्स लिसनिंग टेस्ट सुपर PDF पैक, और ये $1.99 का है, और इंडियन रुपीज़ में ये ₹153 का है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, और इसमें 100 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट है, तो रीसेंट आयल्स के लिसनिंग टेस्ट है, तो ये काफ़ी हो गया आपके लिए, इतनी काफ़ी होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको फ्री वेबसाइट जहाँ से आप लिसनिंग की प्रैक्टिस फ्री में कर सकते हो, वो भी पेड कोर्सेज के बराबर। तो उसके लिए आपको वेबसाइट टाइप करनी है मिनी आयल्स। तो इसे ओपन कर लेंगे हम फर्स्ट वाली, यहाँ पे जाना है आपने लिसनिंग में। लिसनिंग में जाएंगे तो ये देखो, ये सारी लिसनिंग की प्रैक्टिस आ गई है आपकी। देखो जैसे मैंने ये पहले अटेम्प्ट किया था, तो यहाँ पे आ रहा है मैंने 60% अटेम्प्ट किया है। तो ये देखो, ये भी लिसनिंग है, ये भी, ये देखो कितनी सारी लिसनिंग नीचे करते जाएंगे आगे। ये देखो, ये भी लिसनिंग है। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं कस्टमर ऑर्डर को। तो यहाँ पे आपकी लिसनिंग आ जाएगी, जैसे ये देखो इसमें 10 क्वेश्चंस दिए हैं,
टोटल वैसे 40 होते हैं, इन्होंने पार्ट वाइज दिए हैं ना, पार्ट वन फिर पार्ट टू होता है, फिर पार्ट थ्री फिर पार्ट फोर। ये इन्होंने इसलिए दिए क्योंकि बिगनिंग है, आप एटलीस्ट शुरुआत कर सको अपने लिसनिंग टेस्ट की। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे ये क्वेश्चन है ना, कस्टमर ऑर्डर फॉर्म है ये, मतलब इसमें कस्टमर ने जो भी ऑर्डर किया उसके बारे में जानकारी है। जैसे ऑर्डर किसने किया है, जॉन कार्टर ने, अकाउंट नंबर क्या है उसका ये हमें देख बताना है, उनकी कन्वर्सेशन सुन के कंपनी का नाम क्या है ये भी हमें बताना है। इसके बाद एनवलप्स के बारे में जानकारी दी हुई है, साइज़ इन्होंने दिया हो कि A4 नॉर्मल साइज़ था, लेकिन उन एनवलप्स का कलर क्या था ये हमें बताना, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी उसने परचेज़ की है ये हमें बताना। फिर कोई फ़ोटो कॉपी पेपर के बारे में भी बात हुई होगी कन्वर्सेशन में, तो उसका कलर क्या था, उसकी क्वांटिटी कितनी दी है उसने, तो उन सब के बारे में बताना है। और इन इंस्ट्रक्शंस का आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर, इसका मतलब है हम इसमें एक वर्ड भी लिख सकते हैं, दो वर्ड्स भी लिख सकते हैं, 3 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 वर्ड्स नहीं लिख सकते और एक नंबर भी लिख सकते हैं। यानी या तो हम एक अकेला नंबर लिख लें, या एक दो या 3 वर्ड्स लिख लें, या हम एक वर्ड और उसके साथ नंबर, दो वर्ड उसके साथ नंबर, 3 वर्ड उसके साथ नंबर। तो मैं आपको एक बारी प्ले करके दिखा लेता हूँ। तो जैसे जैसे वो आंसर बोलेंगे मैं यहाँ पे टाइप करी जाऊँगा, आप देख लेना, मैं उनके कन्वर्सेशन को सुन के आंसर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग मिलेनियम ऑफिस सप्लाईज। इफ यू वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर, प्लीज प्रेस 1। योर कॉल हैज बीन प्लेस्ड इन द क्यू। अ कस्टमर सर्विस ऑपरेटर विल बी विद यू शॉर्टली। Gina speaking, how can I help you? Oh, hello, I'd like to order some stationery, please. And who am I speaking to? John Carter. Right, can I just confirm your account number and the name of your company, John? Sure, the account number is 692411. 692411, right. And you're from Rainbow Computers? No, the company is Rainbow Communications. Oh, okay, I'll just fix that on the system. Communications. And what... तो देखा आपने कि जैसे जैसे उस कस्टमर ने अपना अकाउंट नंबर बताया, मैंने उसे ध्यान से सुन के यहाँ पे लिख दिया। कंपनी का नाम उसने बताया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन जो कॉल रिप्रेजेंटेटिव था उसने कोई और नाम बोला था, लेकिन कस्टमर ने कोई और। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कंफ्यूज भी किया जाता है लिसनिंग में। तो जो कस्टमर की कंपनी का नाम है आपने वही लिखना है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। We need a box of A4, that is normal size envelopes. White, yellow or manila? We have a plain white, please. But the ones with the little windows. Okay, one box A4 white. Just the one box, was it? On second thought, make that 2 boxes. We'll go through heaps of envelopes. As a matter of interest, are they made from recycled paper? No, you can't get white recycled paper. The recycled ones are grey, and they're more expensive, actually. Right, we'll stick to white then. Something else, John? Yes, we need some coloured photocopy paper. What colours do you have? We've got purple, light blue, light green, whatever you want, pretty much. There are 500 sheets to the pack. Let's see. We're going to need a lot of blue paper for our new price lists. So, can you give us 10 packs, please? Make sure it's the light blue one. 10 packs of the light blue. Anything else that we can help you with? तो यार ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने आपको सारा बता दिया, तो ठीक है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये थी यार मेरी IELTS लिसनिंग की वीडियो, और अगर आपने मेरी बाकी IELTS सीरीज़ की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें देख लेना, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिलो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।